29 नवंबर को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का चार्ज लेंगे असीम मुनीर, जो उनके नए आर्मी चीफ हैं। 29 नवंबर को कमर जावेद बाजवा का रिटायरमेंट, मुनीर पाकिस्तान के 17वें प्रमुख होंगे। मुनीर को सौंपी गई है इमरान को निपटाने की चुनौती, ये बड़ी खबर है। देखिए सूत्र बता रहे हैं, मुनीर को इमरान से निपटने की चुनौती रखी गई उनके सामने। उनको कहा गया कि इमरान खान से आपको निपटना होगा। इमरान खान और पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर के बीच एक पुरानी अदावत है और अब वहां के पीएम शहबाज शरीफ असीम मुनीर को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। आइए आपको बिग वॉल पर ये जानकारी और देते हैं। इमरान के खिलाफ कौन सा ये प्लान शरीफ है आपको समझना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर की पीएम शरीफ से मुलाकात हुई है और ये जो कि हैं ये आर्मी चीफ है नए, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर की पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात। पीएम शरीफ का क्या प्लान है ये समझिए। इमरान खान से निपटने के लिए पीएम शरीफ का ये बड़ा प्लान। 26 नवंबर को इमरान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा। रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा गढ़ है, वहां पर पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर है। इमरान की जान को खतरे का अलर्ट वहां पर जताया जा रहा है। अब आप समझिए इमरान और मुनीर में दुश्मनी क्या है। इमरान ने मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से हटाया था। मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा के करप्शन की पोल खोली थी। अब क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। इमरान के मार्च में गड़बड़ी हो सकती है। इमरान पर अटैक हो चुका है और आगे भी आशंका है इसकी। इमरान से हिसाब बराबर करने की कोशिश करेंगे जनरल मुनीर।